Hi students, this is KD sir from Shivam Education. हमारा exercise 3.7 chapter 3 का question number 7 बाकी है, बरोबर? So today हम लोग question number 7 करेंगे, जिसमें 5 sum हैं, बरोबर? Please share करो और subscribe करो हमारे channel को, right? Let's start question number 7. Question number 7, solve the following linear equations, right? पहला दिया है px plus qy is equal to p minus q, qx minus py is equal to, ये opposite side है, तो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय क्या आएगा पी एंड इक्वेशन टू बाय क्यू राइट एंड एड इट बस क्योंकि क्या है ऑपोजिट साइन है इसीलिए तो यहां पे क्या होगा पी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर एक्स पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू राइट दूसरा वाला क्या आएगा क्यू स्क्वायर एक्स प्लस माइनस पी क्यू आई राइट और यहां पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें क्यू तो फोर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर राइट ऐड करना है तो ये देखिए पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स ये दोनों कट हो गया इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अब यहां देखिए एक्स अगर कॉमन निकालता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों कट हो गया तो बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन राइट ये पूरा कट हो जाएगा अब ये एक्स इक्वल टू वन कहां हम बोले पहले वाले इक्वेशन में पुटिंग दिस वैल्यू इन चलो P1 plus QY is equal to P minus Q. अब देखिए QY बचेगा P minus Q, P उधर चला जाएगा तो minus P, कट हो गया QY is equal to minus Q, Y is equal to minus Q upon Q, Y is equal to minus 1. आ गया, this is our first sum solved. Okay, so this way you have to do. Let's go to the नेक्स्ट सम नंबर टू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको बी से राइट लेकिन ऑपोजिट साइन करना पड़ेगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय ए एंड इक्वेशन टू बाय बी एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू राइट चलो तो पहले ये बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी स्क्वायर एक्स ए बी वाई इज इक्वल टू बी प्लस बी सी बी से मल्टीप्लाई किया पहला वाला ए से मल्टीप्लाई करना है राइट तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी चलो माइनस 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 ये दोनों कट हो गया अभी ये देखिए बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू b प्लस बी सी माइनस ए सी ये रखना पड़ेगा अब यहां पे क्या होगा हम अगर x कॉमन ले लेते हैं दिस विल बिकम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी सी माइनस ए सी तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू बी प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इज आवर फर्स्ट आंसर पुटिंग दिस वैल्यू अब ये वैल्यू कहां डालेंगे बताइए Let's see. Putting this value in, right? Equation 1. चलो a यहाँ पे x है x की जगह पे क्या डालेंगे b plus bc minus ac, right? Upon b square minus a square plus बी वाई इज इक्वल टू सी आराम से करना है कोई जल्दी नहीं है बरोबर अब ये बी स्क्वायर माइनस ए पहले हम क्या करेंगे बी वाई यहाँ ले लेंगे सी माइनस ए ये पूरा ब्रैकेट यहाँ ले लिया हम लोगों ने प्लस बी सी माइनस ए सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट अब वाई बी वाई अभी वही सॉल्व करते हैं सी राइट सी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम में
माइनस अंदर जाएगा ए बी माइनस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर सी ये कट हो गया, अब क्या बचा है बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी। लेट्स सी अगर इसको अगर हम कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू b तीनों में कॉमन आएगा, b कॉमन ले लो तो बी सी माइनस ए माइनस ए सी बी सी माइनस ए क्योंकि b बाहर निकल गया माइनस ए सी अपॉन ये b नीचे आया दैट इज ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट। b भी कट कर दो तो देयर फोर y इक्वल टू बी सी माइनस ए माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके दिस इज अवर अनदर आंसर, ये पहला आंसर है और ये दूसरा। लेट्स सी अगर आपको ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर आपको टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए, दिस आंसर इज करेक्ट, अगर आपको टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए तो आपको क्या करना है माइनस कॉमन निकाल देना है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए जो प्लस है वो माइनस है उसको प्लस लिख दीजिए ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी राइट है ये भी राइट है राइट। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू राइट प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा ए प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बोथ आर करेक्ट डोंट वरी राइट दोनों कर सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट सम थर्ड सम एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ इट्स ऑप्शनल 3.7 कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, अगर ऐसा दिया है तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड भी कर सकते हो। चलो लेट्स ट्राई सब्सटीट्यूशन मेथड एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन ए एक्स ए ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई। ओके ये बी सामने चले जाओ राइट तो ये क्या हो जाएगा बी कॉमन ही ले लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए वाई कॉमन ले लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देयर फॉर वाई इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट हो जाएगा वाई इज इक्वल टू बी आ गया ना। जब भी आपको दो ही कह रखे दे थर्ड कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दिया हो तो यू कैन गो फॉर सब्सटीट्यूशन मेथड वो बहुत ईजी हो जाएगा राइट। अब वाई इज इक्वल टू बी कहाँ डालेंगे पहले वाले में डाल देते हैं। चलो Putting this value in क्या आएगा x upon a minus b upon b is equal to 0 1 हो गया सर x upon a is equal to plus 1 x is equal to a this is our solution I hope you understood easy है ना। चलो let's go to the next sum students फोर्थ नंबर का सम में देखिए 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604 बराबर है। ऐसा जब भी आपको सम आए बड़े नंबरों का और इफ दे आर इंटरचेंज 152x इधर है और इधर 152y है इधर 378y में है इधर x में है तो एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन वन इक्वेशन टू आपको खाली इतना लिखना है एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो देखिए 152x 378y माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604 हम लोग ऐड करने वाले हैं तो जो जैसा है वैसे ही होगा बराबर। माइनस 378x में से ये 52 गया तो ये 6 ये 2
और ये 3 में से 1 गया तो 2, दैट इज माइनस 2 26 एक्स। यहां पे देखिए 6 2 और ये 2, दैट इज वापस इधर भी माइनस बड़ा नंबर है y, राइट right? और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो 8 7 और ये 6, दैट इज माइनस वापस, राइट right? तीनों में माइनस आएगा। तो ये अगर 226 है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 3 2 जा 3 6 जा 18 1 3 2 जा 6 7 3 2 जा 6 हो गया। तो माइनस 226 कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 678, x प्लस y माइनस 678 अपॉन माइनस 226, 3 जा x प्लस y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 ये आपको करना है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा और इस तरह सम इजी हो जाएगा। लेट नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो चलो वो करते हैं, माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। अब 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस हुआ, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस, अब ये दोनों माइनस हो गया तो अभी क्या करना पड़ेगा, प्लस 10 10 हो गया 1, तो ये 12 13 1 4 5 530 माइनस x, ओके। अब यहाँ पे दोनों प्लस है, वापस वही होगा प्लस 530y। यहां पे क्या आएगा जरा देखिए, प्लस माइनस है मतलब माइनस करना पड़ेगा, दिस इज जीरो, राइट। और यहां पे 7 में से ये तो 3 और ये हो जाएगा 5, राइट। लेकिन कौन सा आएगा, माइनस वाला, क्यों, बड़ा नंबर ये है। देयरफॉर अगर मैं इधर में से माइनस 530 कॉमन निकालू तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 530, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 530 अपॉन माइनस 530, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4। ऑपोजिट साइन है, बस एडिंग 3 एंड 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, ये हो गया, राइट right? ये हमारा पुटिंग दिस वैल्यू। वैल्यू इन क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1, राइट। तो x इक्वल टू 2 है, 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 1, ये आपका सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, ओके। आई होप इट्स इजी, जब भी बड़ा नंबर आए, एक्सचेंज वाला हो बराबर इंटरचेंज वाला हो, तो आपको क्या करना है, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, और थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन इतना छोटा निकलेगा, राइट। वेरी सिंपल इक्वेशन मिलेगा और आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम, ओके स्टूडेंट्स। एक्चुअली फोर्थ नंबर का सम ये है, मैंने एक्चुअली लास्ट सम फिफ्थ था वो मैंने फोर्थ कर दिया, राइट। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यहां पे उन्होंने क्या किया, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, इन्होंने ऐसे ही दे दिया, राइट। इसको तो ए प्लस बी एक्स प्लस वाई दिया है, तो पहले इसको एक्सपांड कर दिया, यार ए प्लस बी एक्स ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। आप क्या करना है, दूसरा वाला लिख दीजिए, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब यहां पे क्या करने का, कि अगर दिख ही रहा है सेम आ रहा है, तो यहां पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। देखिए मैंने ये माइनस यहां डाला, तो इसमें सारे में चेंज होगा साइन, इसलिए जल्दी मत करना, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी एक्स प्लस माइनस ए माइनस बी एक्स, ऐसा लिखना आराम से,
यहां पे देखिए शांति से लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट डाल दो, सॉल्व करेंगे सब कुछ हो जाएगा परफेक्ट। यहां पे देखिए ए प्लस बी एक्स है, एक्स पहले कॉमन निकाल दीजिए, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही लिख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस टू ए बी और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर कट हो गया राइट। यहाँ पे कैसा आया देखिए, ए कट हो गया तो टू बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा टू बी स्क्वायर टू ए बी। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू टू बी, यहाँ पे भी कॉमन आएगा बी प्लस ए, दैट इज ए प्लस बी भी लिख सकते हैं राइट, दैट इज टू बी कट, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा पहला आंसर। अब ये इसको क्या पुट करेंगे बताइए, कहाँ चलो यहां पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन, ये लिख दीजिए यहां पे ए माइनस बी राइट, एक्स क्या है ए प्लस बी है, अब ये आपका सॉल्व हो जाएगा आराम से, प्लस ए प्लस बी y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके, ये हो जाएगा ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसको वहां भेज दीजिए ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों यहाँ जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कट हो रहा है देखिए सर, माइनस ए स्क्वायर का प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी राइट, तो ये आपका आंसर रहना चाहिए राइट ओके। एक ए प्लस बी और वाई इज इक्वल टू माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.7 राइट, एंड हियर बाय वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैथ्स राइट। तो अब आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर आपने अच्छा किया होगा तो फोर्थ चैप्टर आपको इजी पड़ेगा राइट। तो प्लीज डू इट, प्लीज प्रैक्टिस एक्सरसाइज सम्स, सारे सम्स थ्री टाइम्स करो और एग्जांपल्स टू टाइम्स करो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये मेथड पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करो हमारे वीडियो को राइट, बहुत सारे लोगों को शेयर करो सो देट सब लोग को बेनिफिट मिले, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को KD शिवम YouTube में राइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और वो बेल नोटिफिकेशन प्लीज़ प्रेस करो सो देट आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नेक्स्ट चैप्टर का ओके। बाय, हैव अ नाइस डे।